ये होता है कि जो इस जो नीचे मैंने ऑयसिस रखा है ना, इसको आपने कर देना है थोड़ा सा गीला। लेकिन कि कोई आदत बुरी तो नहीं लगती हम लोगों को एक दूसरे को, या मेरे लिए हाँ ये यही तो और कितनी प्यारी इसकी पैकिंग है। सलीका तो मेरी सहेली में कूट कूट के भरा हुआ है ना, हद होती है भाई। सलीका मंद इतना भी नहीं होना चाहिए। 5 मिनट पहले भी इसको बताओ ना कि हम लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज जुमेरात है और मेरी बहुत प्यारी बहन ने सबके लिए खाना भेजा है। अच्छा, इस खाने में इतनी बरकत होती है ना, आ जाओ शाद, आ जाओ। इसमें इतनी बरकत होती है ना, ये नान है और ये जो थर्सडे को कभी मेरी बहनें देख वगैरह भिजवाती हैं ना, कि बाहर इतने सारे लोग हमारे घर के बाहर जमा हो जाते हैं, हमारे माली गार्ड्स वगैरह, कोई और अगर क्लीनिंग वाले लोग, और माशाल्लाह सबको पूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आज का भी जो मेरा ड्रेस है वो है शीन स्टूडियो का, और बहुत ही अच्छा लॉन का एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत कूल कलर है, और वही जो आजकल थोड़ी सी शॉर्ट खुली कैपीज हैं वो हैं, और शर्ट है साथ लॉन्ग शर्ट है। तो चप्पल मैंने इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि फिर सबको चप्पल से आवाज़ आएगी, तो मैं नहीं चाहती कोई डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैंने जाना है अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ। कहाँ जा रही हूँ मैं, भाई मैं भूल गई, टस्कनी जा रही हूँ, हाँ F6 जा रही हूँ टस्कनी। अब तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो बॉक्स कल हमारा खाली हुआ था, जो मेरे साइड टेबल पर पड़ा था, उसकी जगह मैंने नए फूल रखे थे, तो इसको ज़रा मैं थोड़े से ड्राई फ्लावर्स के साथ सैचुरेट करूँ। ये काम मैं करूँगी थोड़ी सी देर के बाद जी। वैसे तो मैं निकलते हुए आपको जूते पहन के अपनी पूरी लुक दिखाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा अभी आपको अपना मेकअप दिखा दूँ। मैंने क्योंकि वही पता नहीं आजकल ये कह रही हूँ कि लाइट कपड़े हों, तो मैं उनके साथ ये थोड़ी सी आंखों को हैवी कर लेती हूँ। मैंने अपनी आई पेंसिल लगा के उसको यूं फैला दिया है, ब्लश ऑन लगाया है, अपनी वो कोसास कम वाला जो एक लिपस्टिक उनकी बड़ी अच्छी सी है लाइट पिंक सी, वो लगाई है, और टॉप्स जो मुझे जैन मरियम ने दिए थे लास्ट ईयर बर्थडे पर, ये वो मैंने पहने। अब मैं चल रही हूँ, और अभी नहीं जा रही, पहले मैं ज़रा वो अपनी जो बकेट है ना फूलों वाली वो सजा लूँ और फिर चलेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें सोच रही थी कि मैं इस बकेट में अभी कुछ दिन ये और चल जाएगी, इसके ऊपर ये नेट है और नेट के साथ मैं ड्राई फ्लावर्स लगाऊँ, ये सोचा। तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। जिंदगी ऐसे फूलों की बकेट टाइप ही होनी चाहिए। ये मैंने आज अपनी बकेट को एक नई लुक दे दी है, बहुत प्यारी लग रही है, और फूल सारे बहुत क्यूट और अच्छे कलर्स के लग रहे हैं। अच्छा जी, ये वाली जो ट्रे है ना, ये वाली वाइट ट्रे, इसमें ना एक दिन का वाकया, एक दिन का किस्सा है इसके अंदर। मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजे, मैं उसका नाम नहीं बता रही हूँ कौन सी फ्रेंड ने, क्योंकि फिर सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना नहीं पाई। तो उससे मुझे इसमें आम भेजे, और उस दिन के बाद से ना मैंने जब भी कोई मेरे घर पार्टी होती है, कोई मेहमान आता है, तो इसके अंदर कोक के टिन्स और जो भी मैंने फ्रूट रखते हैं, बस इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी सेटिंग हो जाती है। तो मैंने शायद में चप्पल तो नहीं नज़र आ रहा नहीं, तो मैंने ना उस दिन से इसको इधर रखी और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको बता दिया कि जब कभी तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझसे ट्रे वो मंगवा लेना। वो बाहर चली गई कुछ दिनों के लिए, जैसे ही बाहर गई उसकी लड़की ने घर की सफाई करते हुए उसको सबसे पहले ये ट्रे नज़र आई। उसने कहा बाजी भेज दे, मैंने बड़ी दुखी होकर भेज दी। और जब वो वापस आई तो उसने, वो इतनी मेरी प्यारी फ्रेंड है ना, लड़का एक तो अच्छी हो, दिल इतना बड़ा होना है शायद कितनी बड़ी बात है ना। शायद तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो। जी मेरा तो बहुत बड़ा बड़ा है,
लगता नहीं मुझे वैसे। अच्छा हाँ, ये एक प्याला है नाजरीनो हाजरीन, ये एक प्याला है और इसके साथ मैं कोई मैजिक शो नहीं दिखाऊंगी, बल्कि ये जो प्याला है ना ये, अच्छा हमारे घर एक बात हुई, मैं बताती हूँ। अच्छा हमारे घर ये हुआ कि इस प्याले में ना बर्फ़ रख के रखते हैं और फ्रिज में रखते हैं, और वो जो मतलब जो बाकी सब स्टाफ वगैरह का जो पानी होता है ना, वो जब सुबह सुबह ठंडा किया जाता है और इसमें बर्फ़ होती है, तो जब इसमें बर्फ़ रखते थे रात को, तो सुबह उठते थे तो प्याला होता था खाली और पूरा फ्रीजर होता था स्विमिंग पूल। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर मैंने निकाल के पूरा फ्रिज साफ़ किया, फ्रीज़र सारा, वो बर्फ़ निकाली सब कुछ, और हर बंदा दूसरे पे तोहमत लगा रहा था, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी। इन सब लोगों ने ये कि एंड में नवीद और सादिया की कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि ये जो प्याला है ना ये बाजी से गिरता है रात को। अब मैं ना रात को आके फ्रीज़र खोलती हूँ, ना मेरा कोई काम है, मैं जाती हूँ फजर के वक्त चाय पीती हूँ और वो जो मेरी कोई खाने पीने की चीज़ होती है वो होती डाइनिंग रूम वाले फ्रिज में है, वहाँ से मैं निकालती हूँ। तो अव्वल तो मैं कुछ लेती नहीं, मैं खाली नमाज़ पढ़ती हूँ और कोई चीज़ हो तो मज़ा आता है ले भी लेती हूँ। तो मैंने ना मुझे फिर एकदम शक हुआ, मैंने कहा ऐसा तो नहीं, अगर तो देखो ना शायद झटका लगे जी, तो इतना तो नहीं गिरेगा ना कि प्याला ही खाली हो जाए। फिर जब बहुत तहकीक की, बहुत तहकीक की, सारी ज़िंदगी जो CID देखा ना सोनी पे, उससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने तहकीक की, इसमें पानी डाल के रखा तो पता चला इसके अंदर ये सुराख। अब मैं इस प्याले में थोड़े से सेट करूँगी अपने फूल और दिखाती हूँ। ये होता है कि जो इस ये जो नीचे मैंने ऑयसिस रखा है ना, इसको आपने कर देना है थोड़ा सा गीला, और गीला होने के बाद ये हो जाता है बिल्कुल ही फ्रेश। अब इसमें आप ये सारी चीज़ें अपनी लगा लें आराम से। थोड़ा सा मेथा मेरे पास, वो मैंने इसमें यूज़ किया है। चेक करी थी शायद तुम पे, मैं ना शक बहुत करती हूँ ना कि तुम ठीक बना रही हो कि नहीं। आज सायरा बाजी का कैनेडा से फ़ोन आया था, सारा बाजी ने कहा शाद को और साथिया को मुझ खास तौर पे कहो कि वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रही है। मैंने कहा मैं बता दूंगी, शुक्रिया तो उसने बोलना नहीं, ना कोई उसको कोई ऐसे होगा कि अच्छा मेरी तारीफ की है उन्होंने, नहीं कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। चप्पल नजर आ रही है, इनकी वजह से ही पहने, सब लोग फिर कहते हैं चप्पल की आवाज़। मैंने अपनी बास्केट रखी है यहाँ, जब आप लोग ये मेरा देखा करेंगे तो यहाँ आपको ये नज़र आया करेगी, जो के जो बेचारी रिटायर्ड बकेट को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अनुषा था जो नहीं, मर्जी तो मैं अपनी करूँगी लेकिन मशवरा तुम्हारा लूँगी। कौन सी पहनूँ, मैं खुद ही अपनी चप्पलें भूल जाती हूँ, ये नहीं ये तो नहीं जाएगी। बात ये है कि अब मैं हाथ धो लूँ। अच्छा मैंने बचपन में ना बहुत ही महंगी महंगी ड्राई अरेंजमेंट्स मैंने खरीदी हुई है, अभी भी कोई हसीन तरीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं बनी है, लेकिन जो फूल हैं वो इतने अच्छे और प्यारे लगते हैं कि आप उनको वैसे भी रख लें, सजा लें, जरा थोड़ा सा फिक्स कर लें किसी जगह पर तो आपको अच्छे लगेंगे। अब होने लगा है ऐसा टाइम कि हाँ मैं जाऊंगी, थोड़ी देर में निकलूंगी और मिलूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। और अच्छा मुझसे ना बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा रिशा, तुम भी और सुनो मुझसे ना, दो तीन ने वैसे पूछा लेकिन चलें, कहती है कि आप इतनी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतनी फ्रेंड्स के साथ मिलती हैं तो आपकी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती है? तो लड़ाई शुक्र अल्लाह का नहीं हुई अभी तक, कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से, बस ठीक ही चल रहा है सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपसे ज़्यादा क्लोज़ होता है, कोई आपसे कम क्लोज़ होता है, लेकिन ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ मेरा हमेशा से एक ताल्लुक रहा है, और मेरे जो बचपन के फ्रेंड्स हैं वो अभी तक मेरी ही फ्रेंड्स हैं। जैसे मैं आपको मिलाती रहती हूँ, हुमैरा वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, थोड़े दिन पहले इतनी सारी मेरे बचपन की, उस दिन जैनब और नायाब आई नहीं थी, आपको बताया बचपन की मेरी फ्रेंड्स हैं, और बहुत ये सारी भी जो है इनको भी मैं
30-30 साल से तो जानती हूँ। फराह से मैंने मिलवाया था, जिसकी शादी पर भी मैं गई थी, तो सारी पुरानी ही हैं। तो पूछूंगी आज मैं उनसे कि मुझे कभी ऐसे हुआ, अनकंफर्टेबल हुई मेरे साथ कि नहीं। थी खूबसूरत सा ड्रेस है जो कि मैं आपको वापस आके डिटेल में दिखाऊंगी। देखिए मैं आपको बैठे बैठे भी दिखा रही हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड है सारा इसका दामन, सारी लुक मैं वहाँ जाके एक पिक्चर लूँगी तो आपको उसकी सारी लुक भी समझ आ जाएगी। तो चल रही हूँ अब अपनी फ्रेंड्स की तरफ। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, बारिश और बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है, बहुत ही अच्छा। माजरा रोड सामने, हल्की की बारिश हो रही है। सब लोग पहुंच के हमने अच्छी सीट नहीं आपने आगे की ये वाली, टांग फंस रही है मेरी टांग। आज इन बालों के साथ ना आज मैं सब काफ़ी जल्दी तैयार हो गई थी, वो मैं वीडियोस उनकी बनाती रही, ड्राई फ्लावर्स इधर उधर कर रही और सब कुछ, तो बाल मुझे लग रहा, फिर मैं सो भी गई थोड़ी देर, मुझे लग रहा ख़राब ना हो गया। मैं सामने मांगला हिल्स पर ज़रा बादल आ रहे हैं या नहीं, लेकिन देखिए बादल सारे क्वेश्चन है मुझसे ना, सब लोग पूछे थे कि सब फ्रेंड्स को मैं कहती हूँ कि बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, तो नहीं, मैं तो नहीं सबसे पुरानी, हाँ सब में, हाँ हाँ कंपैरेटिवली, हाँ, लेकिन कि कोई आदत बुरी तो नहीं लगती हम लोगों को एक दूसरे को, या मेरा ही आदत, हाँ ये यही तबक्को बर्दाश्त कर लें कुछ, नई दोस्तियाँ नहीं कर सकते, इसके पुराने साथ गुजारा करना पड़ रहा है, बड़ी मजबूरी है, वो अच्छे लगते हैं हमें इसी तरह, अच्छी और अच्छी अच्छाई और बुराई, सस्ती कबूल 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 है कबूल है इसके साथ नहीं आ रहा हो गया मेरी बर्थडे की खुशी में ना, ये कह रहे बेशक हमारे प्यारे भूल गए। मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाइल में भी अपना ड्रेस दिखा दूं, क्योंकि इस तरह सबको यूज़ टू भी है और ज़्यादा अच्छी तरह नज़र भी आ जाता है। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है स्लीव्स पे, बहुत अच्छी शर्ट के दामन पे, और नेकलाइन बनी हुई है साइड्स पे, कढ़ाई हुई हुई है, बहुत ही प्यारा है सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा मेरा सूट पता नहीं पूरा नज़र आया कि नहीं नज़र आया, आया नजर, मुझे इतना अच्छा सूट लगा है ये, बहुत ही डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी, और ये पूरी देखिए पट्टी अंदर भी लगी हुई है, बाजू बहुत अच्छे हैं, सूट ही बहुत अच्छा है। तो साथ मैंने अपने ये वाले पहने थे जो मेरी बर्थडे पे पिछले साल मुझे मेरी फ्रेंड्स ने दिया था, तो मेरी बर्थडे दोबारा आ रही है, तुम लोगों ने जिन्होंने मुझे ये इयररिंग्स दिए थे ना, दोबारा ऐसी तरह के भेज दो। अच्छा तो बहुत मज़ा आया, इतनी सारी बातें कि अब जो हमारी ज़िंदगी में आगे आने वाला और जो कुछ आ चुका है उसके बारे में कैचअप किया। अच्छा ये होता है कि पार्टी में जितने थोड़े लोग हों ना उतना ज़्यादा सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं, जब बहुत बड़ी पार्टीज़ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उसमें एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरी बर्थडे का गिफ्ट भी दिया, मैं शेयर करती हूँ। फोन तो मैं करीब से था वीडियो बनाऊँ उसकी, स्टॉप कर लो। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड बिल्किस, उसने मुझे दिया और कार्ड पे उसका नाम है, और कितनी प्यारी इसकी पैकिंग है। सलीका तो मेरी सहेली में कूट कूट के भरा हुआ है ना, हद होती है भाई, सलीका मंद इतना भी नहीं होना चाहिए,
पाँच मिनट पहले भी पकड़ो सादी, पाँच मिनट पहले भी इसको बताओ ना कि हम लोग आ रहे हैं, तो भी माशाल्लाह इस तरह से ट्रॉली भर लेती है कि इंसान को लगता है जैसे पता नहीं। ये तुम अभी सारे इकट्ठे करोगे, फ्रेंड ने मुझे प्यार से दिया है, इसके अंदर डालोगे। अच्छा सारे बिल्किस ये जोड़ेगी, ये सारे इसमें डाल देना, ठीक है। बहुत ही प्यारी है, नजर ही लग गई इसको स्टेन को। साथ ये फूल है जिसको मैं लगा रही हूँ इधर, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। झूठ ना बोलना क्यों, और सूट हो ताकि आप आराम से उसको पहन लें, बहुत प्यारा है। और ये है एथनिक का, ये मैं पहन के इसमें वीडियो बनाऊंगी ना तो फिर सबको पता चलेगा। सादिया जब तक मोती चुन रही है नीचे से, एक दो बातें करूं फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करूंगी। बात यह है कि जो फ्रेंड्स होती है ना वो भी इन मोतियों की तरह होती हैं, जरा सा कुछ हो जाए तो बिखर जाती हैं, मगर थोड़े सी मेहनत के साथ जब दोबारा आप लड़ी में परोते हैं तो दोबारा ऐसे लगता ही नहीं कि कभी अलग भी हुए थे या कभी कोई बात भी हुई थी। अच्छा जी, हम लोगों का वैसे ये हो जाता है, मैं उस वक्त हम लोग सीरियस बात नहीं कर सके, कभी ना कभी किसी ना किसी फ्रेंड की कोई ना कोई बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन जो ताल्लुक होता है ना, रिश्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और वो नहीं टूटना चाहिए। बातें टूटती करती रहती हैं, कभी ये बात इम्पॉर्टेंट तो कभी वो बात इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका साथ होता है जो एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला हमेशा सलामत रहे रखे। और हम सब लोगों का ये है कि हमारे हस्बैंड्स की भी आपस में बहुत दोस्ती है, तो इसलिए जब भी हम लोग मिलते हैं तो हमें तो इतना मज़ा आता है कि हमें लगता है कि हम लोग बस बहुत रौनक है और अपनी अपनी जिंदगियों की जो भी कोई छोटी मोटी परेशानियां दुख दर्द हो भूल जाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स अल्लाह ताला सबको दे, आपकी भी जिंदगी में अल्लाह करे ऐसी सहेलियां जरूर आए, अगर नहीं है तो।